हे यूट्यूब फैमिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए सुबह हो गई है ना, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं नहा के रेडी शेडी हो चुकी हूँ। मुझे ना पूजा करना है, मैं पूजा भी की नहीं हूँ क्योंकि मैं उठी 4:30 बजे हूँ, जिस करके पूजा नहीं हुई है। अभी मैं सिर्फ ज्योत जलाऊँगी, भोग लगाऊँगी, बस ये सब करके रख दूंगी और उसके बाद में जाना है किचन में क्योंकि टिफिन बनाना है ना, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी। और व्रत चल रहा है तो इस करके व्रत के हिसाब से ही सब कुछ होगा। लहसुन प्याज नहीं बनेगा, सेंधा नमक ये यूज़ होगा। तो चलिए पहले जोत जलाते हैं और उसके बाद किचन में मिलते हैं। तो थोड़े से पूजा के बर्तन मैं शाम को ही धोकर रख ली थी, मतलब कि रात को। और जैसे दिया हो गया, भोग की थाली हो गई, तो वो मैंने मॉर्निंग में साफ़ किया है क्योंकि ये चांदी की जो थाली है ना, वो मेरे पास एक ही है जो मेरी मम्मी दी थी। तो नवरात्रि हो गया या फिर लक्ष्मी पूजा और जन्माष्टमी में, ये तीनों टाइम पे मैं चांदी की थाली में ही भोग लगाती हूँ मैं मेरे भगवान को। अब मेरे पास है तो मैं इसी में लगा लेती हूँ, रखा ही रह जाता है ना अलमीरा में, अब इसका यूज़ भी हो जाता है, मेरे भगवान जी इसमें भोग भी लगा लेते हैं। तो एक ही दिया रखा हुआ है तो उसी को मुझे धोकर सुबह शाम यूज़ करना होता है। मैं मार्केट गई भी थी ना, तो हाथ में लिया हुआ दिया मैं वापस कर दी, मेरे ध्यान में नहीं रहा कि मुझे ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो एक बड़ा दिया भी ले लूँगी जो कि 4-5 घंटे आराम से जल जाए। और एक मैंने ऑनलाइन बहुत ही अच्छा दिया देखा है, उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो इस करके मैं वो ऑर्डर नहीं की हूँ, लेकिन कभी भी होगा तो वो मैं ज़रूर ऑर्डर कर लूँगी। उसमें एक क्वालिटी ये था कि अगर घी या फिर तेल उसमें जलाते हैं ना, तो जैसे घी या तेल रिस जाता है, प्लेट में गिर जाता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें जो भी मैंने रिव्यू देखा उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, तो वो दिया काफ़ी कॉस्टली था। मेरा मन तो क्या कि मैं ले लूँ, फिर सोची कि नहीं, फिर देखेंगे। अभी मार्केट जाना है, काफ़ी कुछ ख़रीदना है स्टाफ़ के लिए और अपनी हेल्पर के लिए, और भी बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों के लिए, ये सब तो ख़रीदना ही पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा कि ये सब बाद में ले लेंगे। वैसे हस्बैंड तो मना नहीं करेंगे, बट मैंने ही कहा कि नहीं, पहले ज़रूरी वाला सामान ले लेते हैं, दिया तो जो है उसे हो ही जाएगा। जोत में जलाती भोग लगाती हूँ और अभी मैं ना पाठ नहीं करूँगी क्योंकि पाठ करने में ना 1.5 घंटा लग जाता है और मुझे टिफ़िन बनाना है। सबसे पहले तो चाय पीते हैं, सिर ना थोड़ा सा चक्कर जैसा लग रहा है, अजीब ही लग रहा है, थोड़ी सी चाय पी लूँगी ना तो एनर्जी मिल जाएगी। फिर उसके बाद किचन में बनाना है खाना, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना मेरे किचन में चूहा मर गया है, चूहा बहुत तंग कर रहा है। मैं दिखाती हूँ, नीचे देखो डब्बा उब्बा सब गिरा दिया है, मेरा मोबाइल ना मिल जाए दिखाने के चक्कर में, ये देख। तो ये हाल है चूहे का, क्या करें। तो आप सब गैस के पास ये पानी रखते हैं? नहीं रखते हैं तो रखा करो, अच्छा होता है। सब मैं डाल दूंगी वीडियो में, डाल देना। एक चाय भी नहीं बना के देते हो मुझे, चाय बना के देते हो, दे दिया करो, व्रत रखती हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो
फिर जाओ। नींद भी नहीं आ रहा ना, सो जाना एक घंटे। नहीं आ रहा भाई, नींद नहीं आ रहा। नींद आता तो सोने के लिए मिलती है। आराम से सोते हो तब पर भी नींद नहीं आती है। अब कौन सा बेटा है? नहीं सो रहे वो तो ना सारे बारह मिनट चल तो उसको मना रहे चल 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 जैसे टांग उठा देती सुतो तो अब कौन सा ये शरीर सोता है आपके साथ तंग करेगा। तो देखा ना मेरे पति देव को कुछ बोलो नहीं कि बस मुंह बना लेते हैं, इस करके बोलने से पहले सोचना पड़ता। और अगर कभी मैं बोल देती हूँ बहुत ज़्यादा तो उस दिन तो मत पूछो क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। मना लेते, यही मनाते हैं। मैं तो कभी मनाती नहीं हूँ, मुझे मनाना नहीं आता है, मनाते यही हैं। तो फिलहाल चाय बनाते हैं सबके लिए। चाय बनाने के बाद सब्जी बनेगी, दो टाइप की सब्जी बनेगी। बच्चों को टिफ़िन देना है, हस्बैंड को टिफ़िन देना है, पापा के लिए अलग सब्जी है, रॉक्सी के लिए है। सबको देने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ खा लूँगी। कुछ बनाना तो है नहीं, मैंने ड्राई फ्रूट्स लड्डू रखा हुआ है, लड्डू ड्राई फ्रूट्स का लड्डू रखा है, तो मैं वही खा लूँगी एक। और मैं वही खा ले रही हूँ, मुझे भूख तो नहीं लग रही लेकिन वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। तो फिलहाल हनी वाटर लेकर बैठते हैं। और उसके बाद जो है ना, नाश्ता बनाने के बाद मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो हाथ में अक्षत लेकर पुस्तक की पूजा कर अक्षत को अपने आँचल में बांध लिया है, क्योंकि अक्षत एक तरह से ना साक्षी होता है। तो जब पूजा ख़त्म हो जाएगी ना, पाठ कंप्लीट हो जाएगा, तो जो मैंने आँचल में अक्षत बांधा हुआ है ना, वो मैं माता रानी के चरणों में अर्पण कर दूँगी। और इस पाठ को करने में एक घंटा लग जाता है। 13 अध्याय और कीलक है, अर्गला है, कवच चाहिए, सभी अध्याय करने में मुझे एक घंटे लग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। यासी वाहिनी माँ अम्बिके करो मेरा कल्याण, धन्य धन्य माँ अम्बिके शक्ति शिवा विशाल अंग अंग रही दाती तीन दयाल जय माता दी। हे गाइस गुड आफ्टरनून। तो मैं ना आपको 3 बजे मिल रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं थोड़े से आपके कमेंट्स पढ़ी और कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि सवेरे जल्दी उठ गई थी, तो नींद बहुत तेज आ रही थी। मेरे को ज़बरदस्ती जगने का कोई फ़ायदा नहीं है, सो जाते हैं। सोकर उठी हूँ 1 बजे, फिर चाची आई, चाची से बात करते करते 2 बज गया, तो फटाफट खिचड़ी चढ़ा दी बच्चों के लिए। तो पापा भी खिचड़ी खा चुके हैं और बच्चे भी, और मैं तो फास्ट में हूँ, मतलब मेरा व्रत है। और मुझे कमेंट था कि इस बार आप नवरात्रि का व्लॉग नहीं डाले और नवरात्रि में क्या क्या कर रहे हो, तो आप देख सकते हैं मैंने इस बार नवरात्रि में कुछ नहीं किया। ना ही मैंने कलश की स्थापना की और ना ही मैंने अखंड ज्योत जलाया। रीज़न ये था कि मैं सोची कि कलश की स्थापना कर दूंगी और बीच में फिर मैं पूजा नहीं कर पाई तो कौन संभालने वाला है, मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं है। हस्बैंड जो है वो 8 बजे ड्यूटी चले जाते हैं और उनको अगर ज़्यादा कुछ बोल दो तो उनको गुस्सा आने लग जाता है। बच्चों को उतना आइडिया है नहीं, बच्चे जोत ठीक नहीं कर पाते और बहुत नियम हो जाता है, पूरे दिन का नियम रहता है। इसमें अगर हम घर में अखंड जोत जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो काफ़ी नियम रह जाता है। इस बार पता नहीं क्यों, शायद मैं अपनी स्टडी की वजह से भी और जो था मंथली प्रॉब्लम जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कलश की स्थापना नहीं की। लेकिन अगले साल करेंगे, माता रानी को बुलाएंगे अगले साल, फिर अच्छी तरह से जैसा मैं हर साल करती आई हूँ उसी तरह से अगले साल फिर से वैसा ही होगा। तो फिलहाल इस बार जो है ना, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ दुर्गा स्तुति कर रही हूँ। दुर्गा सप्तशी में ना बहुत टाइम लग जाता है, 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं अच्छी तरह से पूजा पाठ करने में। तो मेरे मन में ना दुर्गा स्तुति पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में आया कि मैं अब हर नवरात्रि दुर्गा स्तुति ही पढ़ूंगी, दुर्गा सप्तशी नहीं पढ़ूंगी, दुर्गा स्तुति करूंगी। और गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान होता है, 24,000 जो है जाप करना होता है, लास्ट नवरात्रि को मैंने किया था जो कि बहुत अच्छे से पूरा हो गया था। इस बार मैं नहीं की क्योंकि इसमें भी पता है 1,84,000 मंत्र ना डेली 27 माला जाप करनी पड़ती है और मंत्र जो है काफ़ी बड़ा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक माला जाप करने में 7 से 8 मिनट लग जाता है। अब आप आइडिया लगा लो कि डेली 27 माला करना है तो कितना टाइम लगेगा।
तो इस बार तो भगवान मुझे माफ करे, मैं अपने एग्जाम को लेकर मैं इस बार कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इवन दिवाली की सफाई फाई भी मैं नहीं करूँगी, जो है जैसा है हल्का फुल्का जो डस्टिंग डुस्टिंग कर दूंगी बहुत सिंपल तरीके से, जो धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो मैं दिया जलाती हूँ बस मैं वही करूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी इस बार। छठ में काम तो होता ही है, वो तो होना ही होना, वो तो मैं किसी भी कीमत पे उसको शॉर्ट नहीं कर सकती। बाकी दिवाली दशहरा ये सब तो मैं कर ही सकती हूँ, बाकी मेरे भगवान की मर्जी, मेरे ईश्वर की जो मर्जी होगी, मेरे भोलेनाथ कान्हा जो चाहेंगे वही होगा, है ना। हम लोग तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो बस यही है कि इस बार मैं कलश की स्थापना नहीं की और बाकी सब ठीक है। तुझे तो जरा आहा लग गया, दिखाओ, देखो देखो देखो। नहीं है रुको ये मैं मार्केट गई थी ना, ये मैं लिपस्टिक लेकर आई हूँ। ये है मास मेकअप, लेकिन इसका कलर ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। मेरे फेस पे ना बहुत ये सही है, मतलब कॉम्प्लेक्शन पे मेरे बहुत ही अच्छा है। सो इश्क के गोरे लाल ए मोटा 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 एक बार दे दे, जो छोटे छोटे लिपस्टिक नहीं लगाना। तो इवनिंग का टाइम है, वही सुबह के जो भी बर्तन है उसको साफ करके फिर इवनिंग की दिया बाती करूँगी, आरती करूँगी माता रानी का। तो आज के व्लॉग में गाइस यही था, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे क्या करना है आपको तो पता ही है। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं पहले से मेरे व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच वीडियो को फिर से देखने के लिए। बाय, लव यू। माता रानी आप पर ढेर सारी कृपा करें, आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और नवरात्रि की आप सभी को ढेर ढेर ढेरों शुभकामनाएँ। बाय, लव यू।